दूसरी रेसिपी आज की हमारी है फिश फिंगर्स, जो हम फ्राई करेंगे मोटे मोटे वेजेस में, हमेशा फ्रेंच फ्राइज के साथ या मैश पोटैटो के साथ नहीं। अब इसमें हमने जो जो चीज़ें डालनी है ना, वो है पैप्रिका, ओरिगैनो और नमक काली मिर्चें। सो नमक, काली मिर्च, पैप्रिका, और ओरिगैनो, ठीक है। नमक, काली मिर्च, पैप्रिका, ओरिगैनो, और आप थोड़ा सा इसमें शाताज कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और आप इसको अवन में रख दीजिए रोस्ट होने के लिए, एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद निकाल दीजिए। दैट्स इट, हो जाएंगे जल्दी से। मिक्स मिक्स करिए शाताज कुकिंग ऑयल इसके साथ, दो चम्मच ले लें, मिक्स करिए इस तरह। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा मैं पैन में इनको रोस्ट कर दूँगी, बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग द नाइस कलर ऊपर ना, मैं अवन में नहीं करूँगी बिकॉज मुझे अभी अवन खोलना नहीं है, वो केक मैंने रख दिया है। सो हम फ्राइंग पैन में कर लेंगे, सिंपल। कॉलर है जी, हेलो। हेलो जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। अच्छा? आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सना बात कर रही हूँ शेखपुरा से। अच्छा जी, तो मेरी जी आई, तो मेरी सिस्टर भी आई हुई है, मैंने उससे भी आपकी बात करवाऊंगी, हम दोनों में ट्वीन हैं। आप आ रही हैं ना फिर सैटरडे को, हफ्ते को लाहौर? जरूर आ रही हूँ मैं लाहौर। ओके, बस मिलेंगे फिर, ठीक है। मेरी सिस्टर भी आई है, उसको मैंने बुलाया है, मैं उसको भी साथ लेके आऊंगी। मेरी बात सुने, सब शेफ्स के अलग अलग टाइम होंगे दोपहर से शाम तक के, तो अब मुझे नहीं पता अभी मेरा टाइम क्या होगा सैटरडे का संडे का, लेकिन सब शेफ्स होंगे यही टाइम पे एक्सपो सेंटर लाहौर में। ओके, आप बता दीजिएगा ना, नॉन वेज। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जुमेरात तक बता दूंगी, ठीक है, बिकॉज जुमे को हम वी आर ट्रैवलिंग। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी, फिश बिरयानी, फिश पुलाव, फिश टिक्का, फिश का सालन, फ्राइड फिश, फिंगर फिश। ओके, ठीक है ठीक है, जरूर सबको लाइएगा। ओके, वेरी गुड, मिलते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू। ओके, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। नमक, काली मिर्चें, पैप्रिका, ओरिगैनो और शाताज कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला था और इसको बस हमें स्टर फ्राई कर देना है। इसी तरह आप अवन में रख के रोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। केक अवन में जा चुका है, राइज हो रहा है, आके फिर हम क्रश कर देंगे क्रंच को और फिर हम बनाएंगे इसको पूरा। हम तीन आप ले लीजिएगा ब्रेड के स्लाइसेस, क्रस्ट निकाल दीजिएगा उसके एंड्स और इसको आप क्रम्स बना लीजिए। इसमें हम डालेंगे नमक, काली मिर्चें और ओरिगैनो। ये आपके सीजन ब्रेड क्रम्स हो गए, सीजन्ड फ्रेश ब्रेड क्रम्स, मछली है, फिश फिंगर्स काटे हैं, सुरमई है, कोई भी मछली ले लें आप, कांटा चमड़ा निकाल के फिश फिंगर्स करवा दीजिएगा। ये हो गया, ये सारी चीजें हटा देते हैं यहाँ से और अब हम पोटैटो वेजेस भी रेडी हो गए। अच्छा, यहाँ मैं क्या करूँगी, शाताज कुकिंग ऑयल, शाताज ज़रा सा और थोड़ा सा लीजिए, हीट कर दीजिए। पालक है मेरे पास, फिश को हम पालक के ऊपर सर्व करेंगे, ठीक है। सो पालक को अच्छी तरह धो के काट लीजिएगा, थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज करेंगे और उसको बस हम टॉस कर देंगे जब तक वो विल्ट नहीं हो जाती, और कुछ नहीं करना है। मेयोनीज मेरे पास थोड़ी सी है, उसमें थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल दीजिए। चंद कतरे और यहाँ भी हम लेमन जूस के साथ पालक को सॉटे कर देते हैं। खुद ही ये विल्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा जी, फिश फिंगर्स जो हैं उसमें हमने क्या लगाना है, अंडा और क्रम, दैट्स इट। सो यहाँ मछली है, देखिए इस तरह के फिश फिंगर्स काटे हैं, ठीक है।
उसमें आपने अंडा डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए अंडे के साथ, और जो क्रम्स हैं उसमें हम कोट कर देंगे उसको, अलग अलग क्रम्स को मिक्स कर दिए और इस तरह आप कोट कर दें। सो फ्रेश ब्रेड क्रम्स वाली फिश होगी, ये बना के फ्रीज कर सकते हैं, आगे रमज़ान आएंगे आपको काम आएंगी ऐसी रेसिपीज़, रमज़ान के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैंने लिखी हैं, हमारा शो देखते रहिएगा। Now this needs to be moved around. आँच भी कम करते हैं, केक बेक हो रहा है, हल्का सा गोल्डन हो गया है। ड्राई ब्रेड क्रम्स से भी कर सकते हैं, कोई मिर्च मसाला डालने की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नमक, ओरिगैनो, काली मिर्चें और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स फिश के साथ, और आलू में मैंने पेपरिका डाला था, ओरिगैनो, नमक, काली मिर्चें, शाहताज कुकिंग ऑयल, दैट्स इट। चलिए अब इसको हमें डीप फ्राई कर देना है फिश को। शाहताज कुकिंग ऑयल निकालती हूँ मैं अभी, पालक को भी हिला जुलाते निकाल देते हैं वरना पालक इसमें पकती रहेगी। प्लेट में निकाल देते हैं। अच्छा जी, नाउ फॉर सम डीप फ्राइंग, मैं हमेशा एक सॉस पैन लेती हूँ, मुझे सॉस पैन इस तरह का अच्छा लगता है डीप फ्राई करने के लिए, बड़ा सा वॉक नहीं। सो वी पुट दिस हियर, शाहताज कुकिंग ऑयल और इसको हीट कर दीजिए, और फिश फिंगर्स एक एक उठाइए ब्रेड क्रम्स में से और फ्राई कर दीजिए, छन्नी में निकाल दीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल निकल आए। अच्छा, और मटर का क्या करना है देखिए मैं बताती हूँ, आप मटर को भी इसी में डाल सकते हैं, व्हाट आई विल डू इज मैं इसी में डाल देती हूँ मटर को भी, हल्का सा इसी में पैन फ्राई कर देते हैं। पालक के साथ भी डाल सकते थे लेकिन पालक बहुत जल्दी हो गई थी, जस्ट सॉटे देम, थोड़ा सा लेमन। कॉलर है जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी और साला मॉर्निंग सबके शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, आपका सवाल का जवाब दूंगी जी। सिंधी फिश, बिरयानी फिश, कोरमा फिश और कबाब फिश, टिक्का फिश, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो मछली को हमने अंडा लगाया था, ब्रेड क्रम्स लगाए थे, जो मैंने यहाँ फ्रेश ब्रेड को पीस लिया था उसमें नमक, काली मिर्च और ओरिगैनो चला गया था, ठीक है। आप नींबू का छिलका भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, रिफ्रेशिंग जैसा। शाहताज कुकिंग ऑयल यहाँ गर्म करने रख दिया है और हम मेयोनीज और लेमन जूस मिक्स कर चुके हैं, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है कि लेमनी मेयोनीज के साथ, ये आलूओं के साथ, पालक और मटर के साथ फिश को सर्व करना है, दैट्स इट। सो रिकैप ब्रेक चलेगा, दोनों रेसिपीज में से आपने कुछ भी आज मिस आउट कर दिया हो तो देख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में। तब तक ये तेल अगर गर्म हो जाएगा तो मैं फ़िश फ्राई करना शुरू करूँगी, और एक जस्ट तब तक बता दूँ कि कल क्या बना रही हूँ, लज्जत में क्या बन रहा है, विनर कौन है, ये सारी चीज़ें भी कर लेते हैं। सो जी, विनर है महरीन फ्रॉम रावलपिंडी, लज्जत में भी वॉलनट क्रंच केक बन रहा है, सवा चिकन डाक बंगलो कड़ी, एग कोरमा बिरयानी, टमाटर का भरता, और मेरा है कल का वाइट चिकन कोरमा और इटालियन पास्ता सैलड। तो यहाँ आपने क्रंच केक देख लिया, मैंने स्वर्ल्स भी कर दिए थे ऊपर, मैंने अखरोट रख दिए थे पूरा क्रंच से भर दिया था, साइडों पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने आलू साइड में लगा दिए, फिश लगा रही हूँ जैसे जैसे फ्राई होगी, और बीच में है ये सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी ऐड किया करें हमेशा, बिकॉज इसी तरह फिर मैं ये वहाँ ले जाती हूँ और इसको मैं लगा देती हूँ जब तक ये वाली फ़िश हो रही है।
क्रंची और क्रिस्पी ये फिश फिंगर्स हैं, जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, हिलाइएगा नहीं बिल्कुल इसको, मैं हमेशा